रमा एकादशी की कथा आज है रमा एकादशी सा तो मैं भजन कीधा हो ना मैं कतई पी हुणो तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष री एकादशी रमा एकादशी रो व्रत रखी जे तो दिवाली में दिवाली रा पहला राखियो जावण वालो व्रत है तो आन दिन भगवान विष्णु रा हाथे माता लक्ष्मी री पूजा भी थी तो वण लक्ष्मी री पूजा करना हर मनोकामना पूर्ण वे जाए और सुख समृद्धि प्राप्ति वे तो रमा एकादशी रा दन विधिवत पूजा करने उपास करनो ने वना हाथे ते व्रत रा हाथा ते कतई पढ़नी ने पढ़नी पड़ी जे तो हुणनी भी तो आंती को के कथा पाठ करणु है कष्ट ने पापोरो छुटकारो मिल जाए तो चलो हमें आपे देखो कि कोई भी है रमा एकादशी में तो माँ लक्ष्मी री कृपा पावन वास्ते रमा एकादशी माते आ कथा हुणनी ने व्रत करनो तो एक टाइम री बात हैती के मूजकुंड नाम री एक सत्यवादी और विष्णु भगत राजा हेता तो राजा ने वणी बेटी चंद्रभगा रो व्याह राजा चंद्रसेन रा पुत्र सोबन रा हाथे कीधो तो राजा मुचुकंद एकादशी रो व्रत विधिवत तरीका करता था अत्रोइस नी वनोरी प्रजा भी एकादशी रा नियमों रो अच्छी तरह पालन करता था राजा एकला नहीं करता ने वनोरी प्रजा ही करती थी अच्छी तरीका पालन तो एक बार कार्तिक मास रे दौरान सोबन ससुराल आया वना हावरे आयो तो वन दिन रमा एकादशी रो व्रत है तो राजा घोषणा की दी कि हैंग लोग रमा एकादशी रो व्रत नियम पूर्वक करेला तो राजा री बेटी चंद्रभगा ने लागो कि एड़ा में वना पति ने घनी पीड़ा वेला वा वना पति ने भूखो नहीं देख सकती थी वा वो घनो कमजोर हृदय वालो है कमजोर है तो थोड़ो तो सोबन ने राजा रो आदेश हुणियो तो वने पत्नी कने आयो कि अन व्रत बचन वास्ते कोय उपाय करनो माऊ तो उपास वे ही कोनी वोई माजेड़ो जेड़ो है तो मां भाभी घणे उपास करे बीजू माऊ नी वे तो आयो पूछा ने तो वा कियो व्रत करण मर जाईला तो अन माते वा चंद्रभागा कियो वणी रोणी के अन राज्य में रमा एकादशी रे दिन कोई भोजन नहीं करे यदि आप व्रत नहीं कर सको तो दूजी जगह माते चल जाओ बट अन राज्य रो नियम है तो अन माते सोबन कियो कि वो मर जाई लेकिन दूजी जगह नहीं जाए तो वो व्रत करेला कि मैं मर जाऊं बीजी दूजी जगह तो नहीं जाऊं ठीक है मैं वो व्रत करूला तो वो भी रमा एकादशी रो व्रत की दो लेकिन भूख वाणा अतरा बुरा हाल कीधा मनी भूख लागे जन सहन नहीं वे तो रमा एकादशी री रात्रि होजरा जागण भी हो वणो करे रात्रा सोबन असहनी है तो मने सहन नहीं वे तो भूख लागी जगो अगलो दिन सूर्योदय में पूरव नहीं रियो भूखा सोबन री मौत वेगी वो भूखो मर मन भूख सहन नहीं वेती तो वो मर गयो यू में राजा मुचकुंद वणा दामाद सोबन रो कोई के बॉडी सब ने जल में प्रवेश कराई दियो और अपनी बेटी ने सती नी व्यवहार आदेश दी दो मतलब वनो लाश ऐसी जो कुछ जल में प्रवाह कर दी ने वन बेटी ने कहा तू सती को नहीं वनो आदेश दी दो तो वन में बेटी ने भगवान विष्णु पर आस्था राखा ने कियो वो बाप अपनी बेटी ने कियो तू भगवान विष्णु माता आस्था राख तो वन बाप री आज्ञा मौन ने बेटी वो व्रत पूरो की दो वटी ने रमा एकादशी व्रत फास वनो वो कह के प्रभाव पड़ियो ने सोबन जीवत वे गयो रमा एकादशी करनो वनो वीन पासो जिंदो वे गयो मरियोडो और विष्णु कृपा ने मंद्राचल पर्वत ने देवपुर नामक उत्तम नगर मिलियो तो राजा सोबन राज्य में होना मणिया आभूषण री कोई कमी कोनी थी एक दिन राजा मुचकंद्रा नगर में एक बामण तीर्थ यात्रा कराने आयो सोबन रा नगर में पहुंचियो जटे वने राजा सोबन ती मुलाकात हुई तो राजा ने अपनी वणी पत्नी चंद्रभागा ने हौरो मुचकुंद्र बारे में पूछियो ब्राह्मण कियो कि वे हैंग राजी है आप बताओ खाली तो रमा एकादशी रो व्रत करना रे कारण आपरी मृत्यु वेगी थी आप आपरा बारे में बतायो वणो बारे में बतायो
पसे आपने इतरो सुंदर नगर की कन प्राप्ति हो तो शोभन की ओ सब रमा एकादशी रो व्रत रो फल है, लेकिन वो अस्थिर है क्योंकि वो व्रत विवस्ता में कीधो जावे, जन कारण अस्थिर नगर मिलियो मने, लेकिन चंद्रभागा स्थिर कर सकती थी। वन ब्राह्मण ने सारी बातों चंद्रभागा ने की, तो चंद्रभागा कियो कि ओ एक हपनो है, तो ब्राह्मण कियो नहीं वो हपनो को नहीं, तो आ खरी बात है मैं देखे ना आयो, तो चंद्रभागा कियो कि थे यू एक उपाय करो जनती वो नगर स्थिर वे जाए। तो चंद्रभागा वा देवनगर में जावारो कियो, तो वने कियो कि वो अपना पति ने देखेला और अपने व्रत रो प्रभाव वन नगर ने स्थिर कर देवेला, अत्रो असर पड़े अन व्रत प्रभाव रो। तो ब्राह्मण वन मंद्राचल पर्वत माते वामदेव रा कने गियो, वामदेव ने वनी कथा उणाई, मंत्रो अभिषेक कीधो, पसे चंद्रभागा व्रत रो प्रभाव में दिव्य देव धारण कीधो ने शोभन रा कने गी। तो शोभन ने वन सिंहासन माते बैठायो, पर सिंहासन माते बैठायो, फसे चंद्रभागा ने पति को अपने पति ने मना पुण्य रा बारे में हंग बतायो, भाई कोई कोई की दो वा पर से मनो मीन जिंदा भी हो बाकी वक वा वाना मायका में 8 वर्ष री आयु में 8 साल री रहती नियमु एकादशी व्रत करती थी, तो वन व्रत रो प्रभाव पड़ियो ने वो नगर स्थिर भी हो, तो प्रलय रो अंत तक स्थिर रहला हमेशा। तो दिव्य देव धारण की दौड़ी चंद्र प्रभा आप रविंद कने शोभन रहते वन नगर में सुख पूर्वक रेवन दुखी। तो ये भगवान वन मेरे नहीं अतरु से, तो चंद्र प्रभा ने टूटिया जरा हैंगो ने टूट जो एकादशी माता एकादशी माता के